हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक स्लाइडिंग डोर को कैसे दिखाते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्लाइड शो मोड पे जाता हूँ और मैं इधर तीन लाइंस में अभी एक क्लिक करता हूँ। तो आप देखिए, ये इधर ऐसे स्लाइडिंग डोर जैसा आया और इधर नेविगेशन पेन है। तो मतलब मैं इसे नेविगेट कर सकता हूँ कौन से भी टॉपिक में को जाना है। अभी जैसे कि मेरे को जाना है टॉपिक 1 पे, तो मैं वहां पे गया और मैंने देखा हाँ ये वाला कंटेंट है, अब मैंने दिखा दिया है। तो अब मैं ये होम वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं वापस आ गया। अब मैं टॉपिक 4 पे जाना है मेरे को। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ अपने जो प्रेजेंट अपना जो मेरे जो व्यूवर्स हैं उनसे बात कर रहा हूँ मैं, और फिर मेरे को अब टॉपिक 4 पे जाना है। तो मैंने टॉपिक 4 पे क्लिक किया और ये टॉपिक 4 आ गया। तो अब मैं होम पे क्लिक करूंगा तो मैं वापस आ गया। तो ये वाले एनिमेशन को कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। मैं पहले एक नया स्लाइड ओपन करूंगा, नया प्रेजेंटेशन ओपन करूंगा, फिर सब कुछ जो क्लिक ये वाला जो कंटेंट बॉक्स है सब कुछ हटा दूंगा मैं। बस एक सबटाइटल, बस एक टाइटल वाला बॉक्स में रखूंगा, सबटाइटल्स वाला हटा दूंगा। ये हटा दिया। अब मैं इधर आपका टाइटल आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। तो इधर मैं लिखूंगा योर टाइटल हियर, मतलब आप इधर आप अपना टाइटल ऐड कर सकते हो। तो मैं अभी फॉन्ट चेंज करूंगा, मॉडर्न लव, ये फॉन्ट चेंज हो गया। अब मैं इधर वो ऐड करूंगा स्लाइडिंग डोर एनिमेशन। तो मैं पहले इंसर्ट पे जाऊंगा, शेप्स, और मैं इधर क्लिक करूंगा रेक्टेंगल, और मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा एक रेक्टेंगल। आपको मतलब इतना बड़ा नहीं चाहिए, आपको थोड़ा इतना चल जाएगा। तो अभी शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, तब शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, शेप फिल, आप अपना कलर दे सकते हैं। मैं अपना कलर देता हूँ, मैं ये वाला कलर चूज करता हूँ। और अब इसको थोड़ा सा ऐसे मूव करता हूँ, हाँ ऐसा। तो अब मैं इधर तीन लाइन ऐड करूंगा। इंसर्ट में जाना है, शेप्स, इधर राउंडेड कॉर्नर्स वाला रेक्टेंगल चूज करना है। आप इधर जूम इन कर सकते हैं, मैंने इधर जूम इन किया, थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ। हाँ, तो अब मैं इधर तीन लाइंस ऐड करूंगा। ऐसे, और इसको पूरा अंदर कर दूंगा, फिर इसको पूरा एक कर्व्ड रेक्टेंगल बना दूंगा और उसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा। शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, शेप फिल, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। और मैं अभी पर मैं इधर ब्लैक दे रहा हूँ, और इसको हम कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी करने के बाद इसको आप अपनी तरह से अलाइन कर सकते हैं, ऐसे कंट्रोल डी। तो ये हो गया। तो अभी हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा लग रहा है। हाँ ऐसा। तो अभी हम वापिस जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी ठीक लग रहा है। तो अभी हम स्लाइड शो मोड पे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारे एज पे आ गया, बिल्कुल हमारे कॉर्नर पे आ गया। तो अब हम इधर अपना पहले हम अपने स्लाइड क्रिएट करते हैं। तो टॉपिक 1, टॉपिक 1, और इधर मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, वही सेम फॉन्ट जो हमने लिया था। मॉडर्न लव, तो ये ऐसा फॉन्ट है। अब हम अपना
सबटाइटल्स ऐड करेंगे, अपना कंटेंट डालेंगे। योर फर्स्ट पॉइंट ये, मतलब आप अपने अपना पॉइंट डाल सकते हैं, ये आपको आपके ऊपर आपको चाहिए या नहीं। ये सेकंड पॉइंट, इसको हम कॉपी कर देते हैं, तो एंटर करेंगे तो कंट्रोल वी करेंगे तो थर्ड पॉइंट, और इधर फोर्थ पॉइंट, और इधर फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट तो अभी हमारा ये फर्स्ट स्लाइड अभी क्रिएट हो गया, तो मैं इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ और इसको मैं टॉपिक टू कर देता हूँ। तो अब इसको करने के बाद कंट्रोल डी टॉपिक थ्री, कंट्रोल डी टॉपिक फोर, कंट्रोल डी और टॉपिक फाइव। टॉपिक फाइव तक करते हैं, और अब हम यहाँ पे एक नेविगेशन पेन का एक हेडिंग डालते हैं। तो इधर हम जाएंगे इंसर्ट पे, इंसर्ट पे शेप्स, शेप्स पे करने के बाद हम इधर रेक्टेंगल चूज करेंगे। रेक्टेंगल को चूज करने के बाद हम इधर एक ऐसा ड्रॉ करेंगे, इसको हम पूरा ऐसे साइड तक कर सकते हैं, आपके ऊपर आपको कितना चाहिए। तो अभी हम जाएंगे शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, शेप फिल, आप कोई भी कलर डाल सकते हैं, तो इधर येलो ठीक रहेगा। तो अभी हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, और इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये जो तीन लाइन है भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इतना ऐसे ठीक रहेगा। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, या आपकी विषय आपको जैसे भी करना है आप कर सकते हैं। तो अभी हम इधर एक लाइन ऐड करते हैं, जैसे कि इसके ऊपर और इसके नीचे लाइन। तो हम इधर जाएंगे लाइन, और हम इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप पे जाएंगे, इधर विड्थ है तो हम इसको बढ़ा देंगे। थोड़ा सा कम कर देते हैं, बहुत ब्रॉड हो गई है। हाँ इतना ठीक है। हम इधर कलर पे जाएंगे, इधर ब्लैक कर देंगे। आपकी विषय आपको ब्लैक करना है या कोई और कलर करना है, आपकी मर्जी है। तो अभी कंट्रोल डी, और हम इसको उसके ऊपर ऐड कर देंगे ऐसे। इधर हम जहाँ पे ये येलो वाला रेक्टेंगल है उसमें हम डबल क्लिक करेंगे, और ये लिख देंगे नेविगेशन पेन। तो अभी हम, अगर आपको फॉन्ट बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, तो इतना ठीक रहेगा। तो अब हम इधर एक रेक्टेंगल चूज करेंगे, और इधर हम ऐसे बना देंगे, पांच रेक्टेंगल बनाने हैं क्योंकि हमारे पांच टॉपिक हैं। डबल क्लिक करेंगे और लिखेंगे टॉपिक वन, इसका फॉन्ट बढ़ा देंगे, और मैं इसका फॉन्ट फेस भी चेंज कर देता हूँ, कॉमिक सेंस एमएस। हाँ ये, तो अभी हम शेप पे क्लिक करेंगे और उस पर कंट्रोल डी दबा देंगे। कंट्रोल डी दबाने के बाद हम इसको आप अपनी तरह से अलाइन कर सकते हैं। द टॉपिक टू लिखेंगे और फिर से शेप में क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे, इधर पांच आ गए हैं। तो इधर मैं लिखूंगा टॉपिक थ्री, टॉपिक फोर,
और टॉपिक 5। तो ये देख सकते हैं हमारे सारे टॉपिक्स आ गए हैं। तो अब हम एनिमेशन ऐड करते हैं, पर उससे पहले हम पहले इसको ग्रुप करते हैं। तो हमने इसको सेलेक्ट किया सार को और कंट्रोल जी दबा दिया। कंट्रोल जी मतलब ग्रुप होता है, सारे जो ऑब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किए हैं वो उसको ग्रुप कर देगा। और उससे पहले हम जो रेक्टेंगल है टॉपिक जिसमें लिखा है, तो हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। तो हम कोई भी, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा, आप ब्राउन भी चूज कर सकते हैं, आप रेड, ग्रीन ठीक रहेगा। और नो आउटलाइन, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, टॉपिक 2 और शेप फिल, ग्रीन, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। ये हम इस रेक्टेंगल पे जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इधर मतलब शेप आउटलाइन के आगे जो हम, अगर हम इस पे बिल्कुल आगे एरो रखते हैं तो उधर कोई बॉक्स आ जाता है। वो ये होता है जो आपने पिछला किया था वो उससे सेव हो रहा है। तो हमने नो आउटलाइन किया था शेप आउटलाइन में, तो अगर हम उसको करते हैं तो नो नो आउटलाइन हो जाता है। और शेप फिल हमारा ग्रीन हमने किया था तो वो ग्रीन हो जाता है। तो शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, शेप फिल, ग्रीन, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, शेप फिल, हम ग्रीन कर देंगे। तो ये ऐसा है। तो अब हम एनिमेशन ऐड करेंगे। तो हम इसको, हमने ग्रुप किया, अब हम एनिमेशन टैब में जाएंगे। इधर ऐड एनिमेशन, इधर आपको दिख सकता है मोशन पार्ट्स। तो उसमें हम लाइंस क्लिक करेंगे। लाइंस को क्लिक करने के बाद ये इफेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो उसको हम क्लिक करेंगे राइट। अब देख सकते हैं ये ऐसे आ गया है, अभी ये पेज के बाहर आ रहा है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा इसका वो बढ़ा सकते हैं। तो हम इसको ऐसे थोड़ा सा विड्थ बढ़ा सकते हैं। अब अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पेज के बाहर आ रहा है, नहीं अभी भी आ रहा है ये। तो हम इसको और करेंगे, देखते हैं। हाँ अभी ठीक है ये। हाँ ऐसा। तो अभी अगर हम इसको स्लाइड शो मोड पे जाते हैं, तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आ जाता है। और ये को बाहर भी नहीं आ रहा है, ये मतलब बहुत अंदर भी नहीं आ रहा है। तो अभी हम इस पे वो होम वाला इफेक्ट डालेंगे, जिसको बोलते हैं, पहले हम शेप्स पे जाएंगे, फिर एक्शन बटन्स। तो उसको जो दिख सकता है आपको एक्शन बटन गो होम, उस पे हम क्लिक करेंगे और हम इधर ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, जो एक्शन बटन्स में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, इनमें से कोई भी ऐड कर सकते हैं, पर उस पे हाइपर लिंक करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी उसके लिए होता है, डिफॉल्ट होम पेज के लिए होता है, जो फर्स्ट स्लाइड है वो उसके लिए होता है, इसलिए हम होम यूज करेंगे। इतना चूज करेंगे, इधर लिखा है हाइपर लिंक टू, हमें ये सेलेक्ट करना है और फर्स्ट स्लाइड क्लिक करना है। तो ओके कर देना है फिर। और फिर ये इधर शेप फिल पे जाना है। आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, मैं भी थोड़ा सा ये वाला कलर चूज करता हूँ। और शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन, इसको फिर हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे, कॉपी करेंगे, फिर इसको कंट्रोल वी दबाते जाएंगे, पेस्ट करते जाएंगे। जैसे देख सकते हैं ये हर जगह आ गया है। अब हमें एक लास्ट चीज करनी है, इधर हमें हाइपर लिंक ऐड करना है। तो
राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इधर आप देख सकते हैं हाइपर लिंक, इस पे हम क्लिक करेंगे। और इधर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद ऐसे क्लिक करेंगे और फिर टॉपिक वन चूज करेंगे और ओके कर देंगे। तो टॉपिक टू पे हम रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, टॉपिक टू, ओके। टॉपिक थ्री को रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, टॉपिक थ्री। फिर टॉपिक फोर पे राइट क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, टॉपिक फोर। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करता हूँ तो ये टॉपिक वन पे मुझे ले जाएगा। तो हम टॉपिक फोर पे क्लिक करेंगे ताकि वो हमें उसी पेज पे ले जाए। तो हम ओके करेंगे। फिर टॉपिक फाइव पे राइट क्लिक करेंगे और हाइपर लिंक करेंगे, ये टॉपिक फाइव, हम ओके करेंगे। अभी सारे हाइपर लिंक ऐड हो गए हैं, तो अभी हम स्लाइड शो मोड पे जाते हैं। तो हम चले गए, ये आपका टाइटल है, तो मैंने इधर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद टॉपिक, ये इस पे कोई हाइपर लिंक नहीं है इसलिए ऐसा है। तो टॉपिक वन पे मैं क्लिक करूँगा, ये टॉपिक वन है, ये आपका कंटेंट है। मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आता है। टॉपिक फोर पे हम जाएंगे, ये आ गया। टॉपिक टू, फिर टॉपिक थ्री है, मैं क्लिक करूंगा। टॉपिक फाइव, तो ये ऐसा है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो देखने के लिए बने रहिए लर्निंग्स विद यथार्थ के चैनल पे, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको बजाना मत भूलेगा, ताकि आपको मेरे वीडियो के जब भी मैं अपलोड करूँ उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। तो थैंक यू।